अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप भी जो है, मैं आ गई हूँ स्कूल से और मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैं क्या खा रही हूँ। इतना ऐसे ही मैं खा रही हूँ ब्रोस्ट और फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये रेड एप्पल के हैं। ये मैंने रात को लेकर आई थी, देखो रेड एप्पल के हैं ये ब्रोस्ट और फ्रेंच फ्राइज़ का। इसमें जो बड़ा हुआ है ना वही खा रही हूँ, बट ये ब्रोस्ट नहीं है, ये कुछ और लग रहा है मुझे। ये ऐसी कोई चिकन बोटी से चिकन टेन पॉप्स वॉप्स। और अभी मेरी मम्मी गई थी बाहर तो वो लेकर आई हैं गिफ्ट। मैं आपको दिखाऊंगी वो गिफ्ट कौन से हैं। तो पहले मैं जन्नत का गिफ्ट दिखा देती हूँ, तो जन्नत का गिफ्ट भाई ये है। जन्नत आप क्या कर रही हो, दिखाइए मुझे, आपको गिफ्ट देना है। और भाई जन्नत का गिफ्ट ये है, दिखाओ। ये है, इसमें डायनासोर बुक है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ ना पूरा सा, रुक जाओ, दिखाने तो दिखाने दो। इसने पूरा ये गीला कर लिया, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं लगाते हैं, तो ये मैजिक वाटर बुक है भाई। तो गाइस, ये मुस्तफ़ा ने जो है ना अपने स्कूल में एक्टिविटी की है, जो कल वो अपने लिए सामान लेकर आया था। अभी वो आएगा तो बताएगा आपको इसका क्या यूज़ है और ये उसने कैसे बनाया। अभी आप इसको देख, कुछ ऐसा है, मुझे तो नहीं पता ये क्या है, मुस्तफ़ा आके खुद ही बताएगा आपको, ठीक है। अभी जो है वो मुस्तफ़ा वॉशरूम में है, तो मैं आई हूँ यहाँ पे अपना ब्रोस खाने। और मुस्तफ़ा तो अभी स्कूल से आया, मैं थोड़ा पहले आ गई थी मुस्तफ़ा से, क्योंकि मैं मुस्तफ़ा से पहले आ जाती हूँ। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई भी है। फ्राइज तो भाई अभी मुस्तफ़ा आ चुके हैं और वो इसकी पूरी बताएंगे, इसको ये क्या है इनका। तो ये मैंने स्कूल में बनाया है और पता है इसमें क्या होता है। अगर ये कैप है और इसमें यहाँ पर हम कोई भी, जैसे कि इरेजर, शॉर्पनर इरेजर, जब हम यहाँ पर रखेंगे ना और यहाँ पर यूं करेंगे, तो ये शॉर्पनर जो होगा यूं उछल के जाएगा। अच्छा, तो इसको कहते क्या है? इसको वो मेरी मिस ने कुछ बोला था, अच्छा भाई जन्नत का गिफ्ट ये मुस्तफ़ा का, या देख ले इसने एक्टिविटी की है। यस, और ये है भाई इनका मैजिक वाटर बुक, जो बहुत ज़्यादा इसने घीली कर दी, इतना पानी लगा दिया है। एंड इधर यहाँ पे डायनासोर की स्पीशीज लिखी हुई है, व्हाट डू यू सी एट होम, लेट्स लुक फॉर इट टुगेदर। और ये इसने किया है, हाँ ये देखो, ये ऐसे होता है, ये वाटर से है, वाटर वाला पैन है इसमें, दिखाना, ये वाटर वाला पैन है। हाँ, और इस यहाँ ये पूरा ना सूखा हुआ होता है, तो हम जब इसके ऊपर ये फेरेंगे ना, इसको जब हम फेरेंगे ना तो वो होता है, जैसे इसने सारे फिल कर दिए हैं ऐसे ऐसे करके ना, वो होता है। ये है पेज, एक मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करके। इस तरीके का पैन है और इस पर हम ऐसे करेंगे तो ये देखो, ये ऐसे इसमें शेडिंग आएगी। मैं थोड़ा सा पानी डालूं? हाँ, इसमें वाटर है, ये इसके अंदर इसके डालते हैं वाटर। मेरे को टूट गई है पानी। और जो है ये इसने इतना पानी लगा दिया कि इसने आती साथ ना अपनी बुक को ये हाल कर दिया, अपनी बुक का बहुत ज़्यादा ये नमी नमी सी हो गई है। और ऐसे आपके पास और भी आ सकते हैं, देखो ये वाली ये एक बुक, ये बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी। ये अच्छा भाई, और यहाँ पेरिस वाली ये पहनी भी है शर्ट, पेरिस लंदन आई। अच्छा भाई, पेरिस लंदन। और अगर गाइस आपको ये अच्छा लगा मेरा प्रोजेक्ट, तो आप इसको बताएं कितना रेट देंगे, और आप बताएं कि इस बुक को आप कितना रेट देंगे। मैं आपको सही तरीके से दिखाती हूँ, दिखाने नहीं दे रही है। ठीक है, तो भाई ये बुक है, मैं सही तरीके से दिखाती हूँ, रुकिए। वो बुक मैजिक वाटर बुक रिपीटेड इश्यूज, मैजिक नहीं है यहाँ पे भाई। और यहाँ पे है टू यूज वाटर पेन, ये पूरा प्रोसेस है, ये डायनासोर का है। और ये इसका पेन है, इसमें हमने वाटर इसमें, हाँ इसमें ये कैप है इसका, इसका वाटर हमने इसमें पहले से ही है, और हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो जो है ना ये शेडिंग आएगी। अभी ये सूख गया क्योंकि इसमें वाटर ख़त्म हो गया, तो इस तरीके से आएगा। इसमें सारी जो है ना ये इसकी स्पीशीज भी लिखी हुई है, सारी नहीं थोड़ी सी लिखी हुई है। ये लो जना, कैसा लगा आपको ये गिफ्ट? वाह, ओके गाइस, ये मैंने लकी वन मॉल से विन किया था। चलो अब मैं अपना ब्रोस खा लेती हूँ गाइस, ये फालतू की बकबक खत्म करके मैं अपना ब्रोस खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ब्रोस।
फ्राइज। अभी मैं फ्राइज़ खा रही हूँ क्योंकि ब्रोस मेन कोर्स में बाद में आते हैं, पहले स्टार्टर आता है। सो यम्मी गाइस, अभी मैं खा रही हूँ सिर्फ फ्राइज क्योंकि ब्रोस खा रहा है मुस्तफा। अभी मैं फ्राइज खा रही हूँ, रेड एप्पल कर। एक गुड न्यूज़ है जो कि कल है हमारी छुट्टी। पता है मुझे आपको क्यों है? नहीं बोला, मैं बताती हूँ आपकी भी छुट्टी है ना, मिस ने बोला था ना। तो भाई कल है जो है हमारे जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कराची आ रहे हैं, पाकिस्तान कराची आ रहे हैं। वो क्या करने आ रहे हैं? वो ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो कराची आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं कुछ बात करने, वही फलस्तीन इसराइल। हाँ तो बात, हाँ फिलिस्तीन के लिए वो आवाज़ उठाएंगे ना, तो इसलिए वो आ रहे हैं और हम लोगों की छुट्टी है। हम लोगों के तो मजा होगा भाई। अभी अम्मी जन्नत के लिए और जो हम मुसा के गिफ्ट आई थी वो दे रही हैं, ये मुसा को पता नहीं है। तो ये गाइस आप गैस करो ये है क्या। पहले ये है क्या? ये आप खोलो दिखाना। तो भाई ये आप देखो, ये कार लग रही है बट इट्स पेन। पेन? हाँ ऐसा लग रहा है। सरप्राइज गाइस, सेम ऐसा मेरे लिए भी लाई है मम्मी और जन्नत के लिए वो बुक लाई। गाइस अभी मैं बैठी हुई थी, मैं सोचा मैं कुछ करती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने लगाई मेहंदी अपने हाथ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने हाथ पे मेहंदी लगाई है अपने। मैंने कहा कि मैं बोर हो रही थी आज, बड़ी बोर हो रही थी। मैंने कहा ईद चली गई तो क्या हुआ, मेहंदी तो फिर भी लगा दे, तो फिर मैंने मेहंदी लगा ली। आप बताना कमेंट्स में कैसी लग रही है, थोड़ी सी तेरी मेरी है। ये मैं कहूँगी कि यहाँ से देखो ये सही है, ये वाला तेरा हो गया है, ये भी तेरा हो गया है, मतलब ये सारी तेरी मेरी हो गई हैं। और ये अब बस ये मैंने बनाई है मेहंदी, ये उधर उधर चला गया है, जो मैंने डिज़ाइन बनाया था ना ये उधर चला गया है। तो गाइस आप बताना ये कैसा लग रहा है आपको, और अभी मैं कहीं और पर भी लगाने, जन्नत के हाथ पे लगाऊंगी अब मेहंदी। ये कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, वैसे मेरे हिसाब से तो अच्छी है, मुझे तो अच्छी लग रही है। आप बताना आपको कैसी लग रही है। तो अभी जन्नत के मैं लगाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। मुझे इतनी बहुत तो मेहंदी लगाने आती है, अब इतनी अच्छी से नहीं आती है, इतनी सी आती है। तो गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर। अच्छा और चलो अब जन्नत के हाथ में आप देख सकते हो मैं अच्छी मेहंदी, अच्छी लग रही है जन्नत आपको? देखो वैसे मुझे कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है, अभी तुम्हें अपनी धो अच्छी है। देखो आप लोगों को अगर मुझसे मेहंदी लगवानी है तो आप मेरी उनकी जन्म मछली है मुझे, क्योंकि ये लाल मेहंदी, लाल मेहंदी का जन्म मछली है, उनको मेरा ये आया। अब मैं इसमें लौट के जन्म लगानी गाइस, मैंने बना ली है जन्नत की मेहंदी फुल। देखो अभी इनके अंदर भी लगानी है, हम लोगों को पता नहीं कहाँ से चौक आ गया। देखो ये पहले वाली मेहंदी, इसकी सही तरीके से मिट्टी नहीं है, पहले वाली मेहंदी सही। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ बाहर जन्नत की मेहंदी धुलवाने, जिन्हें घर के अंदर नहीं धो पा रहे हम। अम्मी डांट रही है हमारी, चलो भाई धो रहे हैं ये जन्नत। अरे अभी वो सूखी नहीं थी, पहले उसको नरम होने दो थोड़ा सा, क्योंकि ये वाली सूखी नहीं है गाइस। अब उसको मलो जल्दी से, धो उसको, टूट जाएगी मतलब वो हो जाएगी वो गाइस। अब इसका कलर भी कम आएगा जन्नत, क्योंकि तुमने जल्दी धो लिया। क्यों गाइस? क्यों जल्दी धो लिया? जो मैंने स्कूल में प्रोजेक्ट बनाया था उसमें इतनी मेहनत लगी है, उसका काम पता है यही फेंकना, और मैंने अभी होममेड वापस से एक और बेटा हम उसके लिए से भी कर सकते हैं। चलो
ये खा ले। वाओ जन्नत के मैंने एक लगा दी है, बट अब वो कैरी है मुझे जो है कैरी मुझे अंदर भी लगानी है। पहले अपना कलर दिखाओ, कलर दिखाओ, बहुत अच्छा है। बट इस लास्ट वाले का थोड़ा सा रह गया क्योंकि ये बहुत जल्दी इसने धो ली थी। बहुत अच्छा कलर आया है मेरा, ऐसा है मेरा, मैं भी ऐसा। मैं तो बैलेंस को सूखने दूँ। चलो ठीक है, अब बनाते हैं। गाइस तो जन्नत की यहाँ की भी मेहंदी डन हो चुकी है। दिखाओ जन्नत, प्यारी लग रही है आपको? दिखाना ये अंदर की, ये अंदर की बहुत प्यारी लग रही है और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है और ये ऊपर से।